हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन 2 के फाइनल ट्रेलर के बारे में। तो चलिए ट्रेलर को देखकर हमें फिल्म के प्लॉट के बारे में और क्या क्या पता चलता है, लेकिन एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म से रिलेटेड आपको जितनी भी डिटेल चाहिए उस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाकर आपको काफी अच्छी खासी डिटेल में समझाया था कि फिल्म का प्लॉट क्या हो सकता है। और इस ट्रेलर में हमें फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड और भी काफी सारी डिटेल मिली है, लेकिन जो डिटेल मैंने उन दोनों वीडियोस में डिस्कस की है वही चीज मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि टाइम किसे भी वेस्ट करना पसंद है नहीं। चलिए ट्रेलर की बाकी सभी के सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम नजर एल्सा के कैरेक्टर पर डालेंगे, जो एक्चुअल में ये कोशिश कर रही है कि वो इन सी को भागकर पार कर ले, जिसमें वो काफी बार नाकाम होती है। और इसी बीच हमें वहाँ पर एक वाटर हॉर्स भी दिखाया जाता है, और इसकी भी पूरी डिटेल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर बताई है कि ये वाटर हॉर्स एक्चुअल में गार्ड है जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर भी सिचुएशन फॉरेस्ट की कुछ उसी तरीके की है, जिसे वो वाटर हॉर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इस ट्रेलर में हमने देखा कि एल्सा को ये पता चल गया कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल किस तरीके से कर सकती है और इस वाटर हॉर्स पर वो किस तरीके से काबू पा सकती है, ताकि वो इस पर बैठकर इस पूरे के पूरे सी को पार कर ले। और अब बात करते हैं इन दो बहनों को एक्चुअल में इस फॉरेस्ट में जाना क्यों पड़ा। वेल, तो इसका रीजन है उन्हें दिए गए ऑर्डर, जो और किसी ने नहीं बल्कि पैपी ने दिया है, जो इस बार इस किंगडम के सभी लोगों के सामने है। क्योंकि मुसीबत सिर्फ इस किंगडम के फॉरेस्ट पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे किंगडम पर आई है। और ऐसा नहीं है कि ये मुसीबत अचानक से आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि हम ट्रेलर के स्टार्ट में ही देखते हैं कि एल्सा के माता पिता उन दोनों को इन्हीं कहानियों के बारे में बताया करते थे कि कैसे पहले जब उसके पिता छोटे थे तो वो कैसे उन एन्चेंटेड फॉरेस्ट में जा सकते थे, जिसके बाद उस फॉरेस्ट में कुछ ऐसा हुआ कि तब से लेकर आज तक कोई भी उस फॉरेस्ट के अंदर फिर से नहीं जा पाया। यानी जो लोग उस फॉरेस्ट के अंदर थे वो लोग अंदर ही रह गए, और जो लोग वहाँ से बाहर निकल कर आ गए थे वो फिर कभी उस फॉरेस्ट के अंदर जा नहीं पाए। और इसी बीच हमें दिखाए गए उस फॉरेस्ट में खेलते हुए कैरेक्टर्स, जिनमें से ऑब्वियसली एक कैरेक्टर एल्सा के पिता है और दूसरी कैरेक्टर अननोन कैरेक्टर है, जो शायद उस फॉरेस्ट की विंड को कंट्रोल कर सकती है। बेसिकली इस फिल्म का प्लॉट भी हमें इन्हीं चीजों का इशारा करता है, जैसे कि ये चार सिंबल जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ, वाटर, फायर और विंड के बारे में, जिनमें से वाटर और आइस की पावर एल्सा के पास है, और शायद हो सकता है कि विंड की ये पावर एल्सा की मॉम के पास थी, यानी वही बच्ची जिसे हमने एल्सा के पिता के साथ में खेलता हुआ देखा। और शायद इन दोनों के प्यार होने की वजह से ही एन्चेंटेड फॉरेस्ट में एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसके कारण तब से लेकर आज तक कोई भी उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा पाया। और जो लोग उस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उन लोगों को नाम नॉर्थ होल्डर का दिया गया है, जिन्हें बाद में ये पता चलता है कि एल्सा ने अपनी पावर्स की मदद से इस फॉरेस्ट में एंटर किया है, जो कि नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इन दोनों किंगडम का रिश्ता एक विश्वास की डोर पर बंधा हुआ था, जिसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई जिस वजह से नॉर्थ अल्ट्रास और एल्सा के किंगडम के एल्डरिन सोल्जर के बीच बात काफी बिगड़ गई, यानी एक जंग जिसकी कुछ छोटी सी झलक हमने इस ट्रेलर में भी देखी। और अब शायद उसी की वजह से इस फॉरेस्ट का किंगडम पूरी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे वो एल्सा के पूरे किंगडम को भी अपनी चपेट में ले लेगा। और इसीलिए एल्सा अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफ के साथ मिलकर अपने इस मिशन पर निकली है। और हाँ, इस मिशन में 7 और ऑल्फ भी है, क्योंकि हमने ट्रेलर में 7 का बचपन भी देखा, और ये भी देखा कि उस फॉरेस्ट में जाने के बाद 7 अपने जैसे बाकी लोगों से मिला। और हमें ये भी पता चला कि 7 या फिर 7 के माता पिता किस तरीके से उस फॉरेस्ट को छोड़कर बाहर आए थे, और शायद इसका रीजन एल्सा की मॉम हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उस छोटे 7 को एल्सा की मॉम के हाथ में ही देखा था। अब मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि ये कैरेक्टर एल्सा की मॉम ही हो सकती है, लेकिन अंदाजा लगाने में क्या जाता है। और फिर हो सकता है कि इस जर्नी के दौरान एल्सा और उसकी बहन अपने माता पिता से भी मिल जाए, जो लोग शायद जिंदा हो गए, क्योंकि हमें इसी बीच एक सोल्जर का कैरेक्टर भी दिखाया गया जो देखने से हमें बूढ़ा लग रहा है, और इस कैरेक्टर की वॉइस फिल्म में स्टेलिन के ब्राउन ने दी है। और शायद स्टेलिन के कैरेक्टर को एल्सा के माता पिता के बारे में पता हो कि उनके शिप डूबने के बाद वो लोग बचे भी थे या नहीं, और एक्चुअल में वो लोग किस जर्नी के लिए निकले थे। अब इन सभी के सभी राज पर से पर्दा इस फिल्म को देखने के बाद ही उठेगा। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस फिल्म को 22 नवंबर को रिलीज किया जाएगा, और नो डाउट फिल्म जितनी ज्यादा शानदार इसके ट्रेलर से लग रही है फिल्म उतनी ही ज्यादा बेस्ट होगी। वेल, तो अब आपकी क्या राय है फ्रोजन 2 फिल्म के ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, मुझे पता है मैंने बाकी जाइंट्स और बाकी के कैरेक्टर्स की डिटेल आपको नहीं दी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये सारी की सारी डिटेल आपको मेरे इसके पहले वाले 2 वीडियोस में मिल जाएगी। तो आप जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।